हमको ये अच्छी प्रकार से याद है जब हम 10th का एग्जाम देने वाले थे। उससे पहले जब एडमिट आने वाला था, कितना ज़्यादा उत्सुकता से भरा हुआ वो दिन था। बड़ों को प्रणाम, छोटे को सुप्यार। और अब अपना जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब पहले की बातों को हम जान लेते हैं। तो जब हम मैट्रिक में थे, यानी कि 10th क्लास में, उससे पहले जब एडमिट आता है तो ये संदेश लाता है कि अब हम बोर्ड देने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। पर आपको पता है कि उस समय हम लोग के मन में कितना सारा डर था, कितना सारा भय था, और न जाने क्या क्या बातें मन में चल रही थी। हम तो अभी याद करते हैं तो वो सब दिन बहुत याद आता है। जैसे कि अभी मेरा सीटेट एग्ज़ाम फर्स्ट बार हम देंगे और इसका प्री एडमिट कार्ड आ गया है, तो फिर अब हमको वो दिन याद आ रहा था जब हम मैट्रिक देने वाले थे। जिससे भी पूछो, कुछ ना कुछ डर वाला ही बात सब बताता था। कोई भी मतलब ठीक तरह से नहीं बता रहा था, ये होता वो होता है, पर रियल में एक्सपीरियंस करने के बाद ही पता चलता है कि क्या होता है। जैसे कि हम मैट्रिक दे दिए, इसके बाद पता चला कि ये तो नॉर्मल जिस तरह एग्ज़ाम देते हैं उसी तरह एग्ज़ाम होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अभी जो मेरे साथ हो रहा है तो सेम प्रोसेस हो रहा है। जो हम तभी फर्स्ट एग्ज़ाम देने जा रहे थे, वो डर वो भय था अपना अपना स्कूल छोड़ के अदर कॉलेज में जाके एग्ज़ाम देना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। और समझ में नहीं आ रहा था कि हम मैनेज कैसे करेंगे, मतलब बहुत सारा डर था। और हमसे जो सीनियर था उससे पूछने के बाद ना, कभी भी वो मतलब हिम्मत और साहस देने वाला बात ही कभी नहीं कोई करता था। हमेशा डर भय वाला बात बताता सब सब कोई, मतलब ऐसे होता है ऐसे होता है, एक बार देख के तो देखो, एक बार ट्राई करके, एक बार जाके तो देखो, मतलब तब पता चलेगा कितना डर लगता है। बट हमको जहाँ तक हम अपना देने के बाद हमको ये पता चला कि ये सब तो एक नॉर्मल नॉर्मल सा है, इसमें डरने की क्या बात है एग्ज़ाम देने के लिए, ये तो सबके साथ होता है। लेकिन उस समय भी हमको बहुत डर लगता था और आज भी हमको उतना ही डर लगता है जितना उस समय लगा था। हम ये बता ही नहीं सकते हैं क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम के बारे में हम बहुत सारे दीदी लोग से, बहन लोग से एंड सीनियर लोग से सुने हैं कि एक बार में तो बहुत कम ही लोग पास होते हैं एंड बहुत कोई हो भी जाते हैं जिसका तैयारी अच्छा रहता है। लेकिन बहुत कोई ऐसा होता है कि 4 बार 5 बार 3 बार मतलब बहुत बार एग्ज़ाम देता है, तो क्या वो सफल नहीं हो पाता, फिर से वो हट जाता है। तो हम ये बोलते हैं कि मेरे साथ क्या होगा पता नहीं, हमको अभी भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। लेकिन एक बात तो है, सब यही बोलता है फर्स्ट बार ट्राई करो, फर्स्ट बार निकल जाएगी तो निकल जाएगी, और सेकेंड बार और थर्ड बार करेगी तो कभी भी नहीं निकलेगी। तो यही बात है कि हमको, मैं यही बोलना चाह रही थी कि उस समय का डर और अभी का डर, दोनों का डर एकदम बराबर सा लग रहा है। उसी तरह का डर हमको लग रहा है कि हम उस समय जो फील कर रहे थे आज भी हम वही फील कर रहे हैं। लेकिन हम सोच रहे हैं कि ये सच में उसी तरह चेंज होगा जिस तरह हम पहले चेंज हुए थे, जो हम मेरा पहले हिम्मत था वो हिम्मत आएगा फिर से। कहने का मतलब ये है कि हम सारे ग्रुप की लड़की थे, हम लोग हॉस्टल में पढ़े हुए हैं। 12th तक मेरा हॉस्टल से ही रहा है और 10th में हम लोग 60 स्टूडेंट्स थे, 60 या 80 स्टूडेंट्स थे जो कि एक साथ, हमको भी याद नहीं आ रहा है, तो एक ग्रुप था हम लोग का, मतलब टोटल 80 स्टूडेंट्स का या 60 स्टूडेंट्स का कुछ ग्रुप था। वो ग्रुप, सारे ग्रुप मिल के जो हिम्मत हम लोग में मिलता था वो आज हमको नहीं मिल रहा है। आज हमको अकेला फील हो रहा है। लेकिन आज भी मेरी बहुत सारी फ्रेंड है, अभी हम फ्रेंड लोग बहुत सारी है जो सीटेट देने जाएंगे, बट कोई एक पास नहीं है, सब अपना अपना घर में अलग अलग है, अलग अलग जगह से सब तैयारी कर रहा है। लेकिन तभी क्या होता था, सब एक पास बैठ के अपना जो भी तैयारी होता था मिल बांट के, हम ये पढ़ रहे हैं पूरा, मतलब तुम ये करो, नहीं ये वाला करो, ये आएगा, ये तैयारी करो, उस टाइप से होता था। बट अभी हमको वो सब समझाने और बोलने वाला कोई नहीं है। लेकिन हाँ, अभी भी मेरे पास उतना ही साहस है, उतना ही शक्ति है, हम कर सकते हैं पढ़ाई के मैटर में। तो तभी का जो हिम्मत था ना, मतलब क्या ही बोलना, वो सब दिन याद करते हैं। कभी कभी तो लगता है कि हम क्या हो गया है मेरे साथ। खैर, ऐसा सबके साथ होता है। हम हॉस्टल में पढ़े हैं, जो हॉस्टल में पढ़ता है ना उसके साथ ही पता चलता है कि मतलब
अब कौन दुनिया में आ गए हैं, पहले किस दुनिया में थे, पहले मतलब हम कैसे पढ़ाई करते थे, वो सोच के अभी हमको बहुत डिफिकल्ट सा लगता है। मतलब कैसे हम कर लेते थे, पहले क्या होता था कि सुबह उठ के पढ़ाई करना, मतलब सुबह उठ के, उतना भी सुबह नहीं, हमसे अभी तक कभी भी सुबह उठ के पढ़ा नहीं गया है। जैसे कि हम सुबह उठ के 3 बजे 2 बजे सुबह से हम कभी भी नहीं पढ़े हैं, ये मेरा मतलब अभी तक का रिकॉर्ड है। हम मैट्रिक दिए, इंटर दिए, ग्रेजुएशन किए, पीजी किए एंड बीएड भी कर चुके हैं, लेकिन हम 2 बजे 3 बजे सुबह से उठ के हम कभी भी नहीं पढ़ाई किए हैं। लेकिन ये हम किए हैं कि रात को हम 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक पढ़ाई करते रहे हैं, लेकिन हमको सुबह का नींद बहुत सोना पड़ता था। हम बहुत कोशिश करते थे, हम 4 बजे उठ जाते थे, बैठे रहते थे, बट हमसे पढ़ा नहीं जाता था, हम सो जाते थे। अभी तक का रिकॉर्ड है ये, हम ये मानते हैं कि रिकॉर्ड है मेरे लिए, हम कभी भी ये पढ़ाई नहीं किए हैं और हम ये झूठ भी नहीं बोलना चाहते। लेकिन पहले क्या होता था, सुबह उठते थे हम लोग का सुबह ही मतलब उठ जाते थे, हॉस्टल का ये रूल था सुबह उठना। सुबह उठ के उतना ठंड, उतना बरसात, उतना मतलब कुछ भी रहा हो, लेकिन हम सुबह उठ के ही नहा लेते थे। नहा धोवा लेने के बाद अपना पूरा दिन का काम छुट्टी, और अपना जो भी मतलब डेली रूटीन होता है वो तो करना ही पड़ता है। इसके बाद स्टडी करने बैठ जाते थे जो भी समय मिलता था, इसके बाद पीटी योगा करके फिर से मतलब पढ़ाई करने लगते थे। 7:30 बजे हम लोग का नाश्ता का टाइम होता था, देन नाश्ता करते थे और फिर अपना क्लास आते थे। क्लास आने के बाद हम लोग 12 बजे तक कंटिन्यू पढ़ाई करते थे, इसके बाद फिर वहाँ से आने के बाद फिर 2 बजे तक पढ़ाई। अभी हम सोच के भी बहुत ये लगता था कि तभी कैसे कर लेते थे, तभी कौन मतलब क्या घुसा हुआ था हमारे भीतर। इसके बाद फिर शाम को पढ़ाई करते थे, मतलब शरीर में रेस्ट नहीं, दिन भर पढ़ाई पढ़ाई, और खाना पीना बनाना तो था ही नहीं, क्योंकि खाना पीना तो हम लोग का उधर से ही आता था, हॉस्टल से ही। तो यही सब बात है कि मतलब वो सब दिन याद आता है। अभी तो इतना सारा काम करने के बावजूद फिर थोड़ा सा समय मिलता है, वो समय को पकड़ के रखना पड़ता है, तैयारी करना पड़ता है। इसके बाद फिर मतलब सोच के कितना अंतर हो गया है उस लाइफ और इस लाइफ में, मतलब क्या ही बताएं हम। वो लाइफ कितना मतलब मस्ती भरा था, उस तरह सभी के साथ हुआ होगा, सभी के साथ मेरे जैसा नहीं हुआ होगा, लेकिन सबका अपना अपना कुछ ना कुछ यादें तो ज़रूर जुड़ी हुई होगी और यादें तो रही ही होगी कि हम क्या करते थे क्या नहीं। तो खैर उस बात को रहने देते हैं, और कभी आप लोगों के साथ डिस्कस ज़रूर करेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ कैसे हुआ। फर्स्ट बार जो हम एग्ज़ाम देने जा रहे थे तभी जो उत्सव था वो आज भी है मेरे भीतर। हमको आज भी ये लगता है कि हम ये कर पाएंगे, तभी भी ये लगता था कि हम कर पाएंगे। तो यही बात है कि 10th क्लास में जो हम फील कर रहे थे वो आज हम फील कर रहे हैं, आप सब में से बहुत सारे स्टूडेंट्स वो फील कर रहे होंगे। हमको कहीं भी 10th मैट्रिक देने के बाद यानी 10th क्लास पास कर जाने के बाद हमको कभी भी ये सब फील नहीं हुआ है कि हम मतलब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे, मेरा एग्ज़ाम है वगैरह वगैरह, इतना टेंशन है, ये हुए वो कभी नहीं हुआ। लेकिन आज हमको वो फिर से दोबारा फील हो रहा है कि मेरा सीटेट का एग्ज़ाम देना है, उसके लिए फील हो रहा है, क्योंकि हमको लग रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे कि कर पाएंगे। देन इतना स्टूडेंट्स लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं, मतलब डर जो होता है ना वही चीज़ है मेरे भीतर। फिर भी देखते हैं, अपना रिविज़न को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जब से प्री एडमिट कार्ड आया है तब से मेरा माथा में बहुत ज़्यादा टेंशन बन गया है, बहुत ज़्यादा दर्द करता है, हम क्या ही बोलें, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और हमको आज तो पढ़ने का थोड़ा सा भी इच्छा नहीं कर रहा था, लेकिन अब समय नहीं है, अब बिल्कुल भी समय नहीं है। समय को हम व्यर्थ नहीं करेंगे, हमको समय को ऐसे पकड़ के रखना है जैसे कि मतलब कि कुछ भी हो जाए हमको क्रैक करना है एग्ज़ाम, इस तरह से हमको लगता है। बट अब देखते हैं क्या होता है, नसीब बोले या लक बोले कुछ भी हो, लेकिन हमको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे, रात जगना पड़े दिन जगना पड़े। लेकिन हम ब्लॉगिंग अब नहीं कर पाएंगे, हमसे ख्याल है थोड़ा थोड़ा क्लिप कहीं कहीं का ले लेते हैं, वो बात दूसरा है, बट लेकिन हम पूरा ब्लॉगिंग नहीं दिखा पाएंगे आप लोगों के सामने, क्योंकि ब्लॉगिंग करने में पूरा 2-3 घंटा लग जाता है, एडिट करना, उसके सारा मतलब सब चीज़ करना। तो इसीलिए हम 1-2 दिन गैपिंग होगा, तो उसके लिए कोई बात नहीं, और नहीं तो हम लास्ट में हम ये सब
देगा, दिखा देंगे क्या हुआ क्या नहीं होगा, लेकिन हम एडिट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। लेकिन प्री एडमिट कार्ड आया तो हमको ये लगा कि हमको एडमिट एक बार दिखा देना, बता देना चाहिए था एक ब्लॉग बना के, तो इसीलिए। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तैयारी फिर भी अच्छा चल, मेरा तो अच्छा ही चल रहा है, उतना अच्छा नहीं बता बोल पाएंगे क्योंकि मतलब काम सब बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। एक हाउसवाइफ के लिए ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मतलब पढ़ाई करना बहुत डिफ़िकल्ट, और मतलब क्या ही बोलें हम। आप लोग यदि हाउसवाइफ हो तो अच्छी प्रकार से समझ सकते हो कि आप लोगों के पास यदि दो बच्चे होते हैं, एंड हाउसवाइफ हो या नहीं हो, एक लड़की भी हो तो ये बात आप समझिए, यदि आपके पास दो बच्चा है तो बच्चा मतलब थोड़ा बड़ा है, छोटा भी नहीं है कि मेरे पास रहेगा या फिर हम सुला दें तो वो सो गया, दूध पिला दें तो वो पी गया, मतलब थोड़ा सा बड़ा है, उसका पीछे दिन भर लगना पड़ता है, पूरा इधर से उधर खिलौना वगैरह सब छीटते रहता है। देन उसका अभी समझ उतना विकसित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं ना कि कितना डिफ़िकल्ट होता होगा हमारे लिए। फिर भी हम कोशिश ज़रूर करते हैं, हम अपना हिम्मत नहीं हारे हैं, और शायद हम यही चाहते हैं कि आगे तक नहीं हारे, मेरे में जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा बने रहे। बातों ही बातों में स्टडी भी ख़त्म हो गया मेरा, और अभी आ गए हैं रोटी बनाने के लिए। तो आज सब्जी नहीं था हमारे पास, मतलब ज़्यादा सुबह ही बनाए थे, आलू और गोभी का फ्राई किए थे, और ये था ना कि मतलब टमाटर का चटनी था और धनिया पत्ता का चटनी था, और जो मतलब मसाले वाला सब्जी खा खा के ना मन बोरिंग सा हो गया है, और आलू गोभी का सब्जी तो अब मसाले वाला हमको देखने का भी मन नहीं करता, खाने का भी मन नहीं करता है, लेकिन कभी कभी बनाना पड़ता है। तो अभी वही आलू गोभी का सब्जी बनाए हैं, मतलब सब्जी नहीं भुजिया बनाए हैं, और टमाटर का चटनी और धनिया पत्ता का चटनी बनाया है, तो इसी के साथ हो जाएगा, और इसीलिए सब्जी नहीं बनाए। देखते हैं क्या होता है, मतलब खाने का तो खा ही लेंगे, ऐसा नहीं है नहीं खाएंगे। तो इनके पापा का हो जाएगा तो बस हम तो कुछ के भी साथ खा लेते हैं, उतना मेरा खाने पीने का उतना टेंशन नहीं रहता है, हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। तो आज हम यही बनाए हैं और यही दे देंगे खाने के लिए, तो इसीलिए सोचे थोड़ा सा रात का भी, मतलब दिन भर तो नहीं है हुआ आज, मतलब ब्लॉगिंग नहीं किए, जैसे कि हम बता दिए थे ना कि मतलब सर बहुत दर्द कर रहा था, तो फिर खाना जो भी नॉर्मल सा बना था, दाल चावल और मतलब चटनी वगैरह और आलू और गोभी का फ्राई बनाए थे, तो इसलिए हम सूट उट नहीं किए थे, लेकिन अभी सोच रहे थे थोड़ा सा ब्लॉगिंग बना लें, और ब्लॉगिंग में दिखाएं तो क्या दिखाएं, इसीलिए हम थोड़ा सा बना लिए थे। तो खैर कोई नहीं, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है ना क्या, ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के साथ भी फीलिंग्स आती है कि नहीं आती है, बट मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही है, हमको वो डर फिर से दोबारा आ गया है जो हम तब महसूस कर रहे थे मैट्रिक में, वो आज फिर से महसूस कर रहे हैं, और अब बिल्कुल भी समय नहीं हमारे पास, और समय को हम लोग को इस तरह से पकड़ के रखना है, ऐसे मतलब दिखाना है कि नहीं जो करना पड़े करेंगे, लेकिन हमको एग्ज़ाम निकालना है, और इस बार यदि हम लोग नहीं सकें तो फिर सोच लीजिएगा लाइफ में जो है ना, मतलब नौकरी का चांस बहुत कम ही है, क्योंकि इस 2024 में इतनी सारी वैकेंसी आने वाली है झारखंड में मेरे ख्याल से, तो उसके लिए हम लोग एलिजिबल नहीं होंगे। अब तो झारखंड में भी सीटेट का मान्यता दे दिया गया है, और सीटेट नहीं तो फिर नौकरी मिलना भी मुश्किल है, तो यही बात है। पेपर टू बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन कोशिश जारी रखिए और उम्मीद कीजिए कि हाँ निकल सके, ये नहीं कि हम नहीं सकें, ये कभी भी मन में नहीं लाना है कि जो लोग जैसे बोलते हैं बोलने ही देना है, उससे कोई भी मतलब माइंड में ये नहीं लेना है कि डिफ़िकल्ट है ये है वो है, बट हमको करना है, हमारे 2 साल का मेहनत का सवाल है, हम क्यों नहीं करें, ये अपना भीतर हमेशा ही रखना है। और कुछ भी यदि गलत सही कुछ भी बोल दिए होंगे तो उसके लिए माफ़ी मांग लेते हैं हम आगे ही, और यदि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये मतलब सुबह का ब्लॉगिंग हो रहा है, बुआ स्कूल जा रहा है और छोटा वाला बुआ उठ चुका है, हम भी नहाने के लिए जा रहे थे बट अभी नहाए नहीं हैं, सोना बाबू को मुँह वगैरह धुला लेंगे फिर नहा लेंगे, तो फिर हम तो मतलब सुबह ही उठ चुके थे,
और इधर हम नाश्ता दे दिए हैं। यदि आप लोगों को ब्लॉगिंग अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि कुछ गलत भी बोले हैं, यदि कुछ सही भी बोले हैं तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि हाँ हम ये गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। और वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और आप लोग हमको हिम्मत दीजिए कि हम सीटेट का एग्ज़ाम अच्छा से दे पाएँ, और हम क्या ही बोल सकते हैं। और थैंक यू देखने के लिए।